নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছা। চ' আজি আমি ক্লাছ ছিক্সৰ হিন্দী বুকৰ পৰা এটি কবিতা পঢ়িবলৈ কৈ আছোঁ আৰু কবিতাটিৰ নাম হৈছে মেঁ সবসে ছোটি হুঁ, লেছন নম্বৰ 14। চ' বোলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ কবিতা। মেঁ সবসে ছোটি হুঁ, মেঁ সবসে ছোটি হুঁ, তেরি গোদি মে সো, তেরা অঞ্চল পকড় পকড় কর ফিরু সদা মা তেরে সাথ, কভি না ছোড়ো তেরা হাথ, বড়া বনা কর পহলে হমকো তু পিছে চলতি হ্যায় মাত, হাথ পকড় ফির সদা হমারে সাথ নহীঁ ফিরতি দিন রাত, আপনে কর সে খিলা ধুলা মুখ ধুল পো সজ্জিত কর গাত, থমা খিলোনে নহীঁ সুনাতি হমে সুখদ পরিও কি বাত, ऐसी बरी ना हो मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहू निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। धन्यवाद। मैं सबसे छोटी हो कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़ कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। उसके बाद द्वितीय जो पद है उसमें बोल रही हैं कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वो दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। तो कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं, ना ही सजाती और संवारती है, फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठा कर खिलौने से नहीं खिलाती और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। अभी और आगे बोल रही है ताकि अंतिम पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। तो फिर चलिए अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे है आओ बताएं। क, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के जरिए किस इच्छा की बात की गई है? तो आपको यहाँ पे लिखना है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में एक छोटी बच्चे की इच्छा के बारे में कहा गया है, जो सदा छोटी ही रहना चाहती है और अपनी माँ के साथ हमेशा खेल कूद करना चाहती है। ख, बच्ची किसका आंचल पकड़ पकड़ कर घूमना चाहती है? बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़ कर घूमना चाहती है। माँ हमारे लिए क्या क्या करती है? माँ हमारे लिए अपने हाथों से खाना खिलाती है, धूल पोछती है, नहला धुला कर बड़े प्यार से सजाती है, परियों की कहानियां सुनाती है आदि। अभी है नंबर 3, पूर्ण वाक्य में जवाब दो। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ख, बड़े होने पर माँ हमारे लिए क्या क्या नहीं करती? बड़े होने पर माँ बचपन की तरह उसके साथ नहीं खेलती, उसे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, हाथ पकड़ कर घुमाने नहीं ले जाती, परियों की कहानियां नहीं सुनाती आदि। बच्ची क्यों सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है? नंबर ग, बच्ची को पता है कि अगर वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ बचपन की तरह उसके साथ दिन रात नहीं घूमेगी, इसीलिए बच्ची सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। नंबर घ, बच्ची को क्यों अनुभव होता है कि माँ उसके साथ छल करती है? बचपन में बच्ची अपनी माँ का अंचल पकड़ माँ के पीछे पीछे घूमती है और माँ भी उसे अपनी गोदी में उठाकर खूब प्यार करती है, लेकिन बच्ची को अनुभव होता है कि अगर वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ उसके साथ छल करेगी, क्योंकि वो पहले की तरह दिन रात उसके साथ नहीं घूमा करेगी। अभी है नंबर 4, अभी आप नीचे का ये देखिए, आओ सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सबसे डैश हूँ, आपको लिखना है छोटी, नदी डैश है तो नदी बहती है, डैश आराम नहीं चाहता, मैं आराम नहीं चाहता, यह हमारा देश है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लीजिएगा। आओ एक शब्द में बताएं, जो कविता लिखती है उनको क्या बोलते हैं? कवित्री। जो सजाया हुआ हो सज्जित, जिसे स्प्रिया ना हो निष्प्रिया, जिसे भय ना हो निर्भय। अभी है नीचे का, यहाँ पे देख लीजिए,
आओ एक बचन और बहुवचन के शब्दों को पढ़ें, जानें और लिखें। लड़का, लड़का का बहुवचन होता है लड़के। बच्चा का क्या होगा? बच्चे। छोटा, छोटे। खिलौना, खिलौने। नारी, नारियां। परी, परियां। छात्रा, छात्राएं। माता, माताएं। तो बच्चों ये आप लिख लीजिएगा और सीख लीजिएगा, ओके। अभी इसके नीचे देखिए, दोनों शब्द को जोड़कर एक नई शब्द बनाओ। तो सूर्य और अस्त को मिलाने से होता है सूर्यास्त। सूर्य और उदय को मिलाने से हो गया सूर्योदय। परम और अनु को मिलाने से होगा परमाणु। परम और आत्मा को मिलाने से होगा परमात्मा। विद्या और अर्थी को मिलाने से हो गया विद्यार्थी। और विद्या और आलय को एक साथ जोड़कर लिखने से क्या होगा बच्चों? विद्यालय, ओके। तो आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।